हेलो दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 को लेकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा दुविधा में थे कि हमारी जो पहली परीक्षा है, यानी कि पहले जो डेट दिया गया था 7 दिसंबर से मैट्रिक वालों का, 9 दिसंबर से इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास वालों का जो है एग्ज़ाम्स होनी है, तो अब जो है उस डेट को एक्सचेंज कर दिया गया है। यह जो डेट है, इस डेट पर आप लोगों का एग्ज़ाम्स अब लेना संभव नहीं है। इस एग्ज़ाम को जो है, इस डेट को जो है आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अब आपकी जो परीक्षा है, पहली परीक्षा जो है न्यू डेट पर होने वाली है, दूसरी परीक्षा भी आप लोगों का न्यू डेट पर ही होने वाली है। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आप सभी के लिए यह वीडियो अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि यह जो अपडेट है आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कह नहीं सकते हैं। आप सभी के लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत सारी जो है जानकारी इस वीडियो में आप को मिलने वाली है। मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, आप हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, देखो क्या लिखा है। लिखा है दिसंबर व मई में होगी जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा, सचिव को मिला वित्तीय अधिकार। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की रिक्त अभी तक है, ठीक है, उनका अभी तक नियुक्ति नहीं किया गया है। लेकिन कल एक जो है मीटिंग हाई लेवल की बैठाई गई थी, जिसमें कि सीएम सर ने सहमति दी, कई सारे बातों पर जो है विचार विमर्श किया गया। उसके बाद जो है जैक के सचिव को इनका पदभार दिया गया है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट जारी किया गया था कि 7 दिसंबर से मैट्रिक वालों का और 9 दिसंबर से इंटरमीडिएट वालों का एग्ज़ाम्स लेना है, उसको लेकर जो है आपका जो ना ही क्वेश्चन पेपर बना था, ना ही आपका क्वेश्चन का प्रिंटिंग हुआ था, ना ही और सारी जो क्रियाएँ होती है, प्रतिक्रियाएँ होती है, जो वर्क्स होते हैं, वो सभी पूरी तरह से पेंडिंग में था। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित हो रही थी आप लोगों का, काफ़ी ज़्यादा जो है बेड अपडेट निकल के आ रही थी कि आखिरकार एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे, कैंसिल होगा, ये होगा या वो होगा, कई सारे जो है मन में जो है सवाल पनप रहे थे। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अब जो है आपका एग्जाम्स जो है नई डेट पर होने वाली है, जो यहां पे बताया गया कि दिसंबर में नया जो एग्जाम्स डेट है वो दिसंबर में और आपका जो है मई में, ठीक है, आपका जो है मई में होने वाला है। ये जो डेट बताया गया है इस पर ही आपका एग्जाम्स होगा। दिसंबर में कब से आपका एग्जाम्स होगा, मई में कब से एग्जाम्स होगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस वीडियो अपडेट को पूरा अंत तक आप लोग देखेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लिखा है यहां पे पूरा मैं पढ़ के बताता हूं। देखो लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के सचिव मय कुमार सिंह को वित्तीय अधिकार मिल गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस प्रस्ताव पर सहमति देने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झारखंड में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जैक अध्यक्ष का वित्तीय अधिकार जैक के सचिव को दिया गया। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि जैक के अध्यक्ष की जो पदभार है किसी सचिव को दिया जाता, ऐसा नहीं होता था। सिर्फ छोटे मोटे कार्य के लिए उसको पदभार दिया जाता था, लेकिन अब पूरा का पूरा पदभार जो है जैक के सचिव को दे दिया गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप सभी के लिए अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। देखो यह बहुत सारी अपडेट इसमें बताया गया है। देखो लिखा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि जैक अध्यक्ष की नियुक्ति ना होने के कारण जैक अध्यक्ष की वित्तीय शक्ति जैक सचिव को दे दी जाए, ऐसा होने से रोज उत्पन्न हो रहे कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। देखो कई सारे छुटकारा का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के सामने खड़ी हुई थी। आपका जो है एग्ज़ाम भी लेना है, जो डेट था उस पर एग्ज़ाम लेना था, आपका जो है क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग नहीं हुआ था, ना ही आपका मार्कशीट बना था, ना ही आपका जो है केंद्र का जो है निर्धारण किया गया था, कई सारी समस्याएं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड था। तो इन सभी समस्याओं को जो है निदान हो जाना चाहिए था, इसलिए जो है जैक के सचिव को जो है इसका पदभार दिया गया है। देखो में आगे लिखा है, यहां पे कहा गया कि इससे छात्रों को भी काफी लाभ होगा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने हरी झंडी मिलने के बाद अब मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं की यह आसान हो गई है। सीबीएसई के तर्ज पर ही जैक भी दिसंबर और मई में मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं लेगा, यानी कि जो 7 तारीख है, ठीक है, 7 तारीख और 9 तारीख इस पर एग्जाम्स आप लोगों का नहीं लिया जाएगा। अब जो न्यू डेट आएगा उस पर आपका एग्जाम्स होगा। देखो अभी तक अगर मान के चलिए 7 तारीख और 9 तारीख का एग्जाम होता तो आपका रूटीन जारी होता, आपका शेड्यूल जारी होता, आपका किस दिन जो है आपका कौन सा विषय का एग्जाम होगा वो सारी जानकारी आप लोगों को मिलती। लेकिन अभी तक जैक बोर्ड की तरफ से ना ही शेड्यूल जारी हुआ है, ना ही रूटीन जारी हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपका न्यू डेट आएगा, ठीक है, आपका न्यू डेट आएगा, आप वेट कीजिए। आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही न्यू डेट आता है मैं आपको पहले भी खबर कर दूंगा और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
देखो इसमें आगे लिखा है कि सीएम की सहमति के बाद विभाग ने जारी की सूचना, यानी कि जाके शिक्षा विभाग ने जो है अधिसूचना जारी की है। उसमें क्या लिखा है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखो लिखा है कि 15 लाख बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी पर निर्णय अब जैक के सचिव लेंगे। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी कि जैक ही मैट्रिक, इंटरमीडिएट, 8वीं, 9वीं, 11वीं मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आकांक्षा एक्सट्रेंस छात्रवृत्ति परीक्षा, झारखंड प्राप्ता परीक्षा को आयोजन कराता है। इन परीक्षाओं पर में इस साल जो है लगभग 15 लाख बच्चों ने भाग लेने की संभावना है। यानी कि कुल परीक्षाओं में जो है लगभग 15 लाख विद्यार्थी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित हो रहे थे कि एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो देखो अब यहाँ पे लिखा है कि अब इन सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई, कॉपी की खरीद, परीक्षा केंद्रों का निर्माण, बैठकों का आयोजन, इन परीक्षाओं के संचालन के लिए कर्मचारी अधिकारियों का आवागमन, परीक्षाओं के लिए आयोजन पर होने वाले खर्च, टेलीफोन बिल देना आदि काम ही हो सकेगा। इन सभी कार्यों पर आने वाले खर्च का भुगतान अब जैक के सचिव करेंगे। यानी कि जैसे ही आप लोगों का जो अनुमति मिल चुका है, जैक के सचिव को मिला कि भाई पदभार जो है जैक के अध्यक्ष को उनको दिया गया है, तो आपका जितने भी प्रतिक्रिया होती है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो काम होते हैं, वो अब जैक के सचिव के द्वारा किया जाएगा। और इस बार 15 लाख विद्यार्थी जो है बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। आपका क्वेश्चन पेपर भी छपेगा, आपका मार्कशीट भी छपेगा, केंद्र का निर्धारण भी होगा। अब जल्द से जल्द जो है इसकी प्रतिक्रियाएं शुरू होगी। देखो इसमें आगे लिखा है कि डिजी लॉकर को जैक ने दी मान्यता। देखो जैक ने भी जो है डिजी लॉकर को मान्यता दे दी है। आप लोगों को पता ही है कि डिजी लॉकर क्या होता है। डिजी लॉकर पर अगर आप अपने आधार नंबर ऐड करते हैं तो आपका जितने भी क्वालिफिकेशन है सारा जो है A to Z आ जाता है। ठीक है, वो आपका डिजिटल ऐप जो है बहुत मस्त है। आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और एक बार चेकआउट कर लेना। देखो इसमें क्या लिखा है कि जैक सदस्य सुदुबिन्य सोनू ने बताया कि जैक अब डिजी लॉकर को मान्यता देगा। शिक्षा मंत्री ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। बच्चे इससे माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन और अन्य जरूरी काम करा सकते हैं। यहाँ पे आगे लिखा है कि 5 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन कराने का अंतिम दिन था। देखो 9th और 11th का जो है 5 दिसंबर तक जो है अंतिम डेट दिया गया था रजिस्ट्रेशन का, अब उसे भी बढ़ाकर 12 दिसंबर तक कर दिया गया है। लेट फी के साथ रजिस्ट्रेशन की तिथि 17 दिसंबर तक होगी और जिन इंटर कॉलेजों में ज़्यादा सीटें पर एडमिशन हुआ है वही सीटों पर भी बढ़ोतरी किया जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं कि पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा का क्या होगा, तो पहली परीक्षा जो है आप लोग का दिसंबर में ही होंगे। आपका हो सकता है कि 20 दिसंबर से ऊपर, ठीक है, 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच आप लोगों का आयोजन होने वाला है। ये मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ कि 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच जो है पहली एग्जाम्स आप लोगों का होने वाला है और मई में आप लोगों का जो है फर्स्ट वीक से, ठीक है, आपका जो है फर्स्ट वीक से लेकर 15 तक में, ठीक है, यानी कि 1 तारीख से लेकर आपका 15 तारीख तक में जो है आप लोगों का एग्जाम्स लिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम्स अब न्यू डेट पर होने वाली है। जो पहला एग्जाम डेट जारी किया गया था 7 दिसंबर 9 दिसंबर, इस डेट पर आपका एग्जाम्स नहीं लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।